नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचपाल और आज हम जा रहे हैं पड़ीखाटू आपको एक ऐसी चमत्कारिक चीज दिखाने के लिए जो शायद आपने नहीं तो पहले कभी सुनी होगी और नहीं कभी कहीं और पर देखी होगी। देखिए दोस्तों, ये है पैरों के निशान। क्या है दोस्तों, वीडियो तो मैंने 2 दिन पहले ही बना लिया, लेकिन ये जो जिनके पद चिन्ह है उनके परिवार में से कोई सदस्य हमारे साथ में नहीं था, तो क्योंकि हिस्टोरी भी हमें नहीं मालूम थी और इस वजह से हमने ये वीडियो चढ़ाया नहीं। आज हमारे साथ में उनका परिवार का सदस्य है, तो मैंने उनसे पूछताछ की और मुझे जो पता चला वो आप भी सुनिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये पोल है, इस पोल के ऊपर ये पैरों के निशान है, ठेठ ऊपर तक। देखो ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये इस तरफ है और 3 पैर के निशान उस तरफ है। ये देखो ठेठ ऊपर तक है, ये देखो। पदचिन्ह पोल पर ये, और ये पोल की लोकेशन है नागौर रोड बड़ीखाटू रोड के ऊपर ही है, और इस तरफ तो है ये नागौर रोड। ये जो है ये नागौर रोड और पास ही में है पहाड़। ये है पहाड़ और ये उनके परिवार वाले, और इस तरफ ये बोर्ड लगा हुआ है और ये चेतावनी लिखी हुई है, और ये जा रहा है बड़ीखाटू की तरफ रास्ता, और इसमें है ये पद चिन्ह। ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये देखिए, ये पूरे पूरे पोल पर ये ऐसे पद चिन्ह है ठेठ ऊपर तक। इसका नाम तो, जो ये पोल के ऊपर चढ़े हैं उसका नाम तो चेनाराम है, और वो गुर्जर थे जात के बड़ीखाटू में। और इसकी हिस्टोरी क्या है क्या नहीं, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए, ये पूरे पूरे पद चिन्ह है जो पोल पर मंडे हुए हैं, ऐसे ठेठ ऊपर तक ऐसे ही है। देखो ये देखो ये यहाँ से शुरू है, ये पहला पद चिन्ह यहाँ पर है, और फिर उसके बाद में 2 यहाँ पर है, और फिर 2 ऊपर है, फिर 2 उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है। ये देखो, ये पूरा पैर है, ये तो एक आधा पैर है, आधा से। ये देखिए ठेठ ऊपर तक है, ये देखो ये ठेठ ऊपर तक। ये लोहे में मंडे हुए हैं। और चलो अब आपको बात कराते हैं उनके परिवार वालों से कि ये कैसे मंडे, क्या हुआ, क्या चीज़ है। चलो उनसे परिचय करवाते हैं आपको और उनसे मिलवाते हैं। लोकेशन है ये देखो, ये पहाड़, और उस तरफ है ये नागौर रोड, ये और इस तरफ है ये बड़ीखाटू जो बोर्ड लगा हुआ है इस तरफ, और हम आपको करवाते हैं उनसे बात, उनके परिवार से। राम राम सर। आपको शुभ नाम? सहदेव जी। तो ये पैरों के निशान है, आप कुछ बता सकते हो इनके बारे में? हाँ, ये हमारे अंकल जी चेनाराम जी नाम था, उनकी उम्र थी करीबन 14 या 15 साल, 14-15 साल, मतलब वो बकरियाँ या गोना वगैरह चलाते थे। हाँ। और मजाक में ये मतलब कोई थे उनके साथ में, नाम तो मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, 5-4 जने कोई बड़े थे उनके साथ में, जो उनके साथ में लाइट नहीं है, उन्होंने कहा है ऐसे करके, मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ लाइट है कि नहीं है। ऊपर चढ़े ऊपर जने, उस टाइम लाइट थी इसमें, और हाथ पकड़े ऑन द स्पॉट यहीं को खत्म। तो उनका आज भी वो पितर मानते हैं, और पितर की वजह से आज भी मतलब आसपास के आदमी आते भी हैं, और वो यहाँ मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाना, उनको मानना, उनके वो सहायता भी करते हैं। आज भी पैरों निशान है, देखो हम लोग का ये खंबा है, फिर भी पैर के निशान सामने सफाई एकदम साफ दिखाई दे रहे। इससे पहले ये खंबा वहाँ था,
उस खंभे की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा आगे डिस्टर्ब होने की वजह से फिर ये पेट निशानी आई इस खंभे पे आगे, तो आज भी है देखने के लायक। और मतलब जो जो फरियाद करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है साईं। तो ये मतलब ये पैर के निशान कितने साल पहले गए? ये करीबन होंगे उनको आज गए हुए को 38 साल। 38 साल? 38 साल हो गए मेरे जन्म तो से। दोनों तरफ है, उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, दोनों साइड पे। वो अब वो ये समझ में तो अब कला है, अब कुदरत की, अब कौन जाने, आना जाना हाथों के दोनों चढ़े हैं, तो अब हाथ के भी निशान, अब कोई कह रहे हाथ के, कोई कहते पैर के, पैर के तो दिखाई दे रहे, पैर के तो दिखाई दे रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे। अब बाकी तो कुदरत का, अब वो क्या चमत्कार है वो, अब अपन उनके बारे में पूरी गहराई से बता नहीं सकेंगे, लेकिन अब कुदरत का खेल है, करिश्मा ये तो सामने है। पिताजी का नाम क्या था? मतलब हमारे दादाजी का नाम पेमा राम जी था, और चार भाई थे जिसमें वह तीन तो हैं ही, जगह बाबला जी वहाँ आपके सामने एक्सपायर, ये सबसे छोटे थे हमारे परिवार, मतलब कहते हैं दादी कहते थे सबसे छोटे थे। तो यही स्टोरी है कि मतलब ये लाइट देखने के लिए ऊपर चढ़े? हाँ, केवल मतलब एक मजाक के तौर पे, कम उम्र की अवस्था में कहते हैं ना बचपन में आदमी 14-15 साल बालक की अवस्था होती है, और वो एक होता है ना नटखटपना, तो क्यों चेक है भाई लाइट है या नहीं है, और चेक करने पता चला कि वास्तव में लाइट तो है। उन्होंने वो ये जाके डायरेक्ट तार पकड़ा, करंट से ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गई। लेकिन वो उसी दिन से आज तक मतलब आम आदमी पितर मानते हैं उनको, और पर जिनका निशान है, और लोगों का नहीं फायदा भी बहुत ज्यादा होता है, साधु संत जो आते हैं आदमी है, यहाँ हर व्यक्ति हर जात का भी मान रहा है, और चमत्कारी जगह है, और गेहूं के फायदा होते हैं तो लोग आते हैं, प्रसाद होते हैं, मतलब मैं देखता हूँ आए दिन यहाँ के पास में खान है, रही आना जाना रहता था। तो दोस्तों चलो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अगरबत्ती भी है और बाकी अदर चीजें भी है यहाँ पर चढ़ी हुई, और लोग आते हैं श्रद्धा पूर्वक और मानते हैं। ये देखो यहाँ पर, देखो ये कल ही बारिश आई इस वजह से ये क्या है कि ये खराब हो चुकी है। देखो ये अगरबत्ती भी है और इस तरफ भी पैर के निशान है आपको। अगर मैंने पहले एक बार वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, फिर मैंने बारिश का इंतजार किया, मैंने सोचा कि बारिश से धुल जाए तो क्या पता, तो कल बारिश हुई तो मैं आज वापस आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो इनका परिवार के सदस्य यहीं पे पास ही में इनका गोदाम है। ये देखो इस तरफ है ये हाथों के निशान, आपको अगर शायद दिखाई दे तो स्पष्ट, तो क्योंकि ये सूर्य देवता है सामने, इसलिए इतना तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये देखो ये है हाथों के निशान इस तरफ मंडे में, ये देखो ये हाथों के निशान है, ये देखो लोग आते भी है श्रद्धा पूर्वक। और ये लोकेशन है, ये इस तरफ से तो नागौर है दीपेश्वर गौशाला से आधा किलोमीटर आगे बड़ी खाटू की तरफ, और ये है बड़ी खाटू का पहाड़ जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ये पहाड़ के पास में एक ही है ये ब्लैक लोहे का पोल, जो पोल है ना वो इस तरफ है नागौर, और ये बोर्ड लगा हुआ है, ये लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ उसी के पास में है ये पोल, एक ही पोल है लोहे का, और आसपास में कहीं पर लोहे का पोल ही नहीं है। ये देखो ये इस तरफ नागौर रोड है और इस तरफ है बड़ी खाटू, और ये है पहाड़, इसी के पास में है यह पोल, और इस पर है आज से 40 साल पहले मतलब 38 साल पहले यह मंडे से पद चिन्ह, और हर जात के यहाँ पर आते हैं और मानते हैं यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक दोग लगाने के लिए आते हैं। ये देखो कभी भी आओगे तो आप यहाँ पर रुक कर जरूर देखना, अगर ये नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, पहला चमत्कार। तो दोस्तों आप इधर से निकलो तो ज़रूर देखना ये लोहे का पोल। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो आज से 2 दिन पहले बनाया था मैंने, और दूसरी तरफ का है जिस पर पैरों के निशान है 3, उस तरफ भी मंडे में वो आपको दिखाते हैं। और अब ये देखें वीडियो जो बारिश होने से पहले का है, ये वीडियो जो अभी चल रहा है इसमें बारिश नहीं हुई, और जो आज मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें वो आज रात को बारिश हुई थी। तो ये दोनों वीडियो है, ये बारिश से पहले का है और वो उस तरफ है जो ज़्यादा पैर मंडे में, वो बारिश के बाद में बनाया था वो वीडियो। जिला नागौर, तहसील जाइल, बड़ी खाटू, और राज्य राजस्थान। तो
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में।